आज के वीडियो हम देखेंगे फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या कहता है फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन? अकॉर्डिंग टू द फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द वन ऑफ द लोअर कंसेंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेंड। सो फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अनुसार जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है उसका डिफ्यूजन हाई रीजन से लो रीजन तक, तब तक जो मूवमेंट होता है जब तक इक्विलिब्रियम अटेंड ना हो जाए। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग टू द फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। TICALLY मैथमेटिकली एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड बाई DQ/DT इक्वल टू DAKM/WN CGIT -C। अब देखेंगे ये एक्सप्रेशन आया कैसे, ये जो हमारा फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये आया कैसे। अकॉर्डिंग टू द फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स DQ/DT जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन मीन्स CGIT -C। फिर जो DQ/DT रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें पता है एब्जॉर्प्शन एरिया, जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। DQ/DT इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/N मीन्स जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। और रेट ऑफ डिफ्यूजन DQ/DT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्टीशन कोफिशियंट KM/W के। ये हमारा इक्वेशन फोर्थ है। बाई कंबाइनिंग ऑल फोर इक्वेशन कंबाइनिंग ऑल द फोर इक्वेशन इक्वेशन सो हमारे पास आता है DQ/DT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, KM/W का, एन का और CGIT-C। सो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटा साइन हटाते हैं तो हमारे पास आता डिफ्यूजन कांस्टेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं डी से, DAKM/W एन CGIT-C। अब देख लेते हैं ये सब क्या है। जो DQ/DT है ये हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन। डी हमारा डिफ्यूजन कॉफिशियंट है, KM/W पार्टीशन कॉफिशियंट ऑफ द ड्रग, पार्टीशन कॉफिशियंट ऑफ द ड्रग बिटवीन
एम क्या है, लिपोइडल मेम्ब्रेन डिवाइडेड बाय एक्वस जी आई फ्लूइड, बिटवीन लिपोइडल मेम्ब्रेन एंड एक्वस जी आई फ्लूइड। और जो इसमें है ये एन, ये डिस्टेंस हमारा है सी जी आई टी माइनस सी। ये सी जी आई टी क्या है, सी जी आई टी है कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द जी आई टी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में कितना ज्यादा कंसेंट्रेशन है। जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन डिफरेंस होगा मीन्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये जो हमारा सी है कंसेंट्रेशन इन द ब्लड सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सो जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। सो ये हमारा है सी जी आई टी माइनस सी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसेंट्रेशन जी आर ए डी आई ई एन टी ग्रेडियंट। अब देखते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके कौन कौन से मेन पॉइंट अराइज होते हैं, इस फॉर्मूले से कौन कौन से पॉइंट हम निकाल सकते हैं। सो डिफरेंट पॉइंट हम अराइज कर सकते हैं बाई दिस इक्वेशन। ये जो हमारा है फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये पैसिव डिफ्यूजन के लिए होता है। सो हम देख सकते हैं प्रोसेस इज एनर्जी इंडिपेंडेंट एंड नॉन सचरेबल, मीन्स पैसिव डिफ्यूजन जो होता है एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी टाइप की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मीन्स हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन के लिए, एंड नॉन सचरेबल होता है। रेट ऑफ ड्रग ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, जितना ज़्यादा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ ड्रग ट्रांसफर होगा, उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। थर्ड देखते हैं प्रोसेस इज रैपिड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ये जो हमारा है रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। सो जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन, जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो प्रोसेस इज रैपिड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस एंड स्लोअर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज डिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। इक्विलिब्रियम इज अटेंड व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ आइदर साइड इज बिकम इक्वल। सो व्हेन द कंसेंट्रेशन इन द जी आई टी एंड द ब्लड वेसल्स बिकम इक्वल देन द मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन द ब्लड वेसल्स विल बी स्टॉप।